हमने कोलाइडर की जो प्रॉपर्टीज कवर अप की थी उनमें टिंडर इफेक्ट तक का टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग वी आर हैविंग इज कलर ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज कलर ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशंस। जब हम कहते हैं कलर ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशंस दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव। अब कोलाइडर सॉल्यूशंस आर कलर। हम कहते हैं कोलाइडर सॉल्यूशंस में कुछ कलर शो करने की प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल देखो जरा कलर ऑफ कोलाइड आपको भी क्लाउड्स जो है वो कलर है। पेंट्स इनमें भी कलर होते हैं है ना। इंक कलर हो सकती है। मिल्क आपको सफेद सा नजर आता है और अगर आप उसको डाइल्यूट करते जाओ तो उसमें कुछ ब्लूइश सा लाइट ब्लू सा कलर आएगा। तो वो जो कलर्स हैं वो दूध के अंदर भी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको कलर ऑफ द कोलाइडर सॉल्यूशन नजर आता है। जैसे गोल्ड सोल, तो गोल्ड सोल भी कलर सी होती है। अब आप कहते हैं ये सारी सोल्स कुछ कलर शो कर रही है उसका कुछ रीजन होगा। तो आपके तो कलर होता क्यों है, वाई दे आर कलर्ड। तो आपके पास है कलर इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल वेवलेंथ। तो हम कहते हैं जब कोई चीज विजिबल वेवलेंथ के साथ कोई भी चेंज करती है, विजिबल वेवलेंथ को स्कैटर करती है या एब्जॉर्ब करती है तो हमें एक कलर नजर आता है राइट। तो आप कहोगे वेवलेंथ स्कैटर लैम्डा स्कैटर बाय कोलाइडर पार्टिकल्स इफ इज फ्रॉम विप्योर। अगर इसमें से कोई वेवलेंथ स्कैटर कर दी गई तो इट विल लीड टू अ कलर। अब नेचुरली कोई अगर ब्लू वेवलेंथ को स्कैटर करेगा तो ब्लू नजर आएगा, तो येलो को स्कैटर करेगा तो येलो नजर आएगा, रेड को स्कैटर करेगा तो रेड नजर आएगा। तो आपसे कहते हैं पार्टिकल साइज लैम्डा स्कैटर, कौन सी लैम्डा स्कैटर होती है डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। और आपको बताया कि पार्टिकल साइज किस रेंज में है, 10^-9 to -6 meters। तो नेचुरली कौन सी वेवलेंथ स्कैटर होने वाली है, कौन सा कलर आने वाला है वो पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये क्या हुआ? फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मिल्क जो है अगर उसे पानी में डाल दें तो हल्का सा लाइट ब्लू सा रिफ्लेक्शन करता है। तो आप कहते हो मिल्क प्लस वॉटर, अगर आपने इसको डाइल्यूट सा सॉल्यूशन बनाया तो आपको ये लाइट ब्लू सा कलर नजर आएगा। एंड इफ ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन, अगर आप इसकी ट्रांसमिटेड लाइट देखते हो तो ट्रांसमिटेड लाइट इज गोइंग टू बी रेड। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आप देखते हो तो लाइट ब्लू कलर का नजर आएगा, अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट देखते हो तो वो आपको थोड़ा सा रेड नजर आता है। सेम वे अगर आपके पास बहुत ही फाइन गोल्ड सोल हो, वेरी फाइन गोल्ड सोल, गोल्ड सोल में अगर वो फाइन पार्टिकल्स हैं
यानी पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो रेड सोल होती है, इट इज रेड इन कलर। और फिर पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज इन पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज करता है तो कलर जो है रेड से ब्लू की तरफ होने लग जाता है। तो जैसे जैसे गोल्ड सोल पड़ी रहती है, अगर बॉडी बहुत देर तक वो पड़ी रहे तो हम कहते हैं वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, पर्पलिश सी, फिर ब्लूइश सी, बीच में पर्पल भी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा ब्लू सी नजर आएगी, फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, गोल्डन हो जाती है। यानी जो एक कोलाइडर सॉल्यूशन है गोल्ड का कोलाइडर सोल खुद तो कौन से कलर का है, रेड। जैसे जैसे वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, मान लो कोई भी सोल है, मैंने कहा था उसमें एक टेंडेंसी है टू सेटल डाउन, तो ये लायोफोबिक सोल है, इट हैज टेंडेंसी टू सेटल डाउन। तो जब वो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होने लग जाएंगे, अगर वो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होते हैं, पार्टिकल का साइज बड़ा हो रहा है, तो आप कहोगे जैसे जैसे पार्टिकल साइज बड़ा होने लगेगा कलर ऑफ द सोल चेंज होने लग जाएगा। इसका मतलब कलर किस पे डिपेंड कर गया, उस कोलाइडर पार्टिकल के साइज के ऊपर। समझ आ गया? देखो पार्टिकल साइज बड़ा हो रहा है तो आप रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, यानी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। डन। ऐसे बेटा बादलों का रंग भी इसीलिए चेंज होता है, आपने देखा होगा बादलों का रंग बदलता है, कभी बिल्कुल व्हाइट दूधिया होते हैं, फिर बादलों का रंग कभी डार्क ग्रे होता है, कभी लाइट ग्रे होता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। आपने वो भी सुना होगा स्काई इज ब्लू, लेकिन क्या सारा दिन स्काई ब्लू रहता है? सुबह सुबह वो रेड सा दिखता है, दोपहर दोपहर में आप ये देखो तो ब्लू सा नजर आएगा, थोड़ा रात हो जाती है तो थोड़ा सा डार्क नेवी ब्लू हो जाता है, तो कलर चेंज कर रहा है। रीजन इज पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह होता है उस टाइम पे रेड लाइट बहुत स्कैटर हो रही होती है, ऐसे लाल लाल सा रंग नजर आता है, ऐसे जब कभी बीच में बारिश के बाद धूप निकलती है तो रेड रेड कलर को स्कैटर कर रही होती है, बहुत रोशन रोशन सब सब कुछ लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज सा नजर आता है, फिर वो ब्लूइश हो जाता है। तो ये सब क्या है, ऑल दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग ऑफ द वेवलेंथ। यहां तक समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो कलर ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स यानी कोलाइडर सोल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कलर के बाद, दैट इज ब्राउनियन मोशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इन कोलाइडर पार्टिकल्स, ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसको क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने पहले सबसे पहले डिस्कवर किया था या थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया था, इसलिए नाम रख दिया गया ब्राउनियन मोशन। अब पार्टिकल zigzag मूव करेंगे, यानी अगर आप ड्रॉइंग करो तो आप कहोगे कुछ भी ऐसे वैसे ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, कभी रुकते नहीं है, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ऐसा सेम टॉपिक आपने कब किया था, गैसियस स्टेट में, इफ यू रिमेम्बर, तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट में ऐसा लिखा था zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब किसी का अपना ही zigzag मोशन चल रहा होता है तो ग्रेविटी का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है। तो आपसे कहते हैं ग्रेविटी तब पार्ट एक्ट करती है जब पार्टिकल स्टेशनरी हो। अब पार्टिकल तो मूव करता जा रहा है तो ग्रेविटी का एक्शन उतना नहीं है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा ये ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। अब वो कहते हैं जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज इज अनइक्वली बम्बार्डेड बाय पार्टिकल्स ऑफ dispersion medium
बम्बार्डमेंट हो रही है, देयरफोर ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड. व्हाट इज द रीजन फॉर ब्राउनियन मोशन, वो आपके पास ये. The dispersed phase is unequally bombarded by particles of dispersion medium. Therefore, Brownian motion is observed. अब उनका ये कहना है, ये मान लो एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है एंड सो ऑन. अगर मीडियम के पार्टिकल्स उसको अनइक्वल बम्बार्डमेंट देते हैं, मान लो तीन चार नीचे से आ रहे हैं, सिर्फ एक दो ऊपर से आ रहे हैं, और नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो गई, तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा. अगर यहां आने के बाद सबने नीचे से ये ट्रैक किया, तो पार्टिकल क्या करेगा, इट विल कम डाउन. तो कभी वो नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, एंड सो ऑन. ऐसे अनइक्वल सी बम्बार्डमेंट है मीडियम पार्टिकल के साथ, किसकी, डिस्पर्शन, डिस्पर्स फेज की. तो आप होंगे, dispersed phase is unequally bombarded by particles of dispersion medium. तो जो dispersed phase है वो एक अपना existing particle है, उस particle को चारों तरफ से unequal bombardment मिल रही है. उस unequal bombardment का outcome क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे Brownian motion दिख रहा है. अब हम कहेंगे due to this Brownian motion, due to Brownian motion, colloidal solution, colloidal solution is going to be stable. तो जो colloidal solution stable रहता है, यानी settle down नहीं करता है, उसका main reason, यानी one of the reason, we can say that it is Brownian motion. अब वो आपसे कहते हैं, lesser is the viscosity. विस्कोसिटी जितनी कम होगी, बताओ ब्राउनियन मोशन उतना ही ज्यादा होगा. लेसर इज विस्कोसिटी, फास्टर विल बी ब्राउनियन मोशन. इसका ब्राउनियन मोशन के लिए सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट. उसके बाद पार्टिकल साइज, वो कहते हैं स्मॉलर इज द पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, फास्टर इज ब्राउनियन मोशन. तो दो पॉइंट्स जो हमें वहां पे समझ आए वो है, एक तो विस्कोसिटी और दूसरा आ गया साइज. साइज छोटा होगा तो ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा, फास्ट. और दूसरा आप क्या कह रहे हो कि विस्कोसिटी अगर आपके पास कम होती है तो ब्राउनियन मोशन ज्यादा होगा. तो आप ये कह सकते हो ब्राउनियन मोशन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑल्सो. मोर विस्कस, लेस ब्राउनियन मोशन, लार्ज साइज, लेस ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है जी. तो ये हमारे पास था ब्राउनियन मोशन, क्यों होता है, क्या होता है और क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है जी, डन हो गया. नेक्स्ट आपके पास है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. नंबर्स मुझे बता दिए आपको कौन सा चल रहा है, ये कौन सा, नेक्स्ट बेटा आपके पास है आफ्टर ब्राउनियन मोशन, द अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज चार्ज, चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन.
अब जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो कोलाइडर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो सकता है, इसीलिए वो स्टेबल थे। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने कहा था कि ये अगर मान लो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं, अगर सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये कभी भी नीचे सेटल नहीं होंगे, और दिस आर गोइंग टू बी देयर इन द कोलाइडर फॉर्म, ये मीडियम में लटकते ही रह जाएंगे बिकॉज ऑल दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो कहते हैं रीजन फॉर द चार्ज, तो आप कह सकते हो कोलाइडर सोल्स यानी सोल्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरह की सोल हो सकती है। एंड चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स स्टेबिलाइज द सोल, चार्ज होगा तभी वो कोलाइडर रहेगा, तभी वो सोल स्टेबल रहेगी। ठीक है, अब हमें देखना है क्या रीजन है फॉर चार्ज, रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, यानी चार्ज कैसे आ जाएगा। नंबर वन, पहला रीजन है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में आपने कहा था सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट्स, फ्रेश प्रेसिपिटेट्स। कोलाइडर पार्टिकल्स याद करो, जैसे अगर हम लिखते हैं AgCl ऑब्लिक Ag1 पॉजिटिव, इसका मतलब AgCl का क्या बना, प्रेसिपिटेट, और उसमें क्या चीज एड्सॉर्ब हो गई, सिल्वर आयन। ऐसे अगर आप लिखते हो AgI विद I नेगेटिव, इट कैन बी आर्सेनिक सल्फाइड विद सल्फाइड आइंस, फेरिक हाइड्रोक्साइड विद फेरिक आइंस। तो आपके पास ये सारे एग्जांपल्स क्या बता रहे हैं कि ये प्रेसिपिटेट है, ये उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया, दिस इज प्रेसिपिटेट, ये उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ है, प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब्ड आयन, प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब्ड आयन। अब ये जो एड्सॉर्ब्ड आयन्स हैं, ये उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज। तो बेटे ये हमारी कौन सी सोल बन जाएगी, पॉजिटिव सोल, दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव सोल, अगेन नेगेटिव सोल एंड पॉजिटिव सोल। अब आपसे कहते हैं मान लो ये प्रेसिपिटेट है, इसके सरफेस पे अगर पॉजिटिव आयन एड्सॉर्ब हो गया, इसको आप बोलोगे फिक्स्ड लेयर, दिस इज नेम्ड एज फिक्स्ड लेयर, ये। और फिर उसके बाहर नेगेटिव आयन घूमते रहेंगे, हम देखेंगे दीज आर एनाइन्स, दोज आर रोमिंग हेयर एंड देयर अराउंड दैट फिक्स्ड लेयर, इसे बोलोगे डिफ्यूज्ड लेयर।
तो आपके पास ऑन द सरफेस ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ये जो कोलाइडर प्रेसिपिटेट था, इसके सरफेस पे एक डबल लेयर बनेगी, इसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। अब इस डबल लेयर की वजह से एक लेयर तो फिक्स्ड हो गई, यानी ये फिक्स लेयर का पार्टिकल है, लेकिन इस 81 पॉजिटिव के सराउंडिंग्स में यहां पे नाइट्रेट आयन घूमते रहेंगे, तो जो नाइट्रेट आयन से घूम रहे हैं वो क्या बन जाएगा, द सेकंड लेयर, दैट इज डिफ्यूज्ड लेयर। तो वन इज द फिक्स्ड लेयर, अनदर इज द डिफ्यूज्ड लेयर। अब बेटा फिक्स्ड और डिफ्यूज्ड लेयर के बीच में यहां पे आपको एक पोटेंशियल डेवलप होगा, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर। नोन एज हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर पोटेंशियल, जैसे आप कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो आपके पास जब हम कहते हैं एक सरफेस के ऊपर एक फिक्स लेयर बन गई और फिर उसके ऊपर आ गई एक डिफ्यूज लेयर, उन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर पोटेंशियल। राइट, वन मोर नेम इज गिवन टू दिस, दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज जीटा पोटेंशियल, ऑल्सो नेम्ड एज जीटा पोटेंशियल। तो आप कहते हो आपके पास पेप्टाइजेशन में जो हो रहा था वो हमें इतना तक समझ आ गया था, इसके बाद वो कह रहे हैं इन पार्टिकल्स के ऊपर एक डिफ्यूज लेयर भी होगी, यहां एक डबल लेयर क्रिएट हो जाएगी, दो पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कोई चीज कभी पास आ रही है कभी दूर जा रही है मूव कर रहे हैं, तो दो चार्जेस की लेयर्स हैं, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर्स हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे पॉजिटिव रॉड और नेगेटिव रॉड के बीच में होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कह दिया, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, और उस पोटेंशियल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और आप कह सकते हो जीटा पोटेंशियल दैट इज ऑब्जर्व्ड ओवर देयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का ये कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था। तो जैसे अब इसको ऐसे लिखा गया, सोचो ना AgCl और यहां मैंने NO3 नेगेटिव लिख दिया, तो क्या समझ आया, ये बन गया फिक्स लेयर, ये क्या बन गया डिफ्यूज लेयर। ठीक है, जैसे यहां मैंने आई नेगेटिव लिखा, इसके आगे लिख दिया के पॉजिटिव, तो आई नेगेटिव क्या हो गया फिक्स्ड लेयर, के पॉजिटिव इज डिफ्यूज लेयर। यहां आपने एच पॉजिटिव रख दिया तो ये मेरे पास हो गई डिफ्यूज लेयर, यहां पे आपने सीएल नेगेटिव रखा तो ये क्या हो गया डिफ्यूज्ड लेयर। तो कहते हैं डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर मिलके एक डबल लेयर फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया व्हाई देयर कैन बी अ चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स। सेकेंड रीजन पे चलते हैं, सेकेंड रीजन फॉर द चार्ज इज सेल्फ डिसोसिएशन। तो आप कहते हो ऑटो डिसोसिएशन और सेल्फ डिसोसिएशन कैन बी द रीजन फॉर चार्ज। व्हाट इज दैट, वो कहते हैं आपने कभी सोचा कि सोप का पार्टिकल RCOONA था, आपने उसे पानी में डाला, पानी में जाने के बाद इट इज गोइंग फॉर RCOO नेगेटिव NA पॉजिटिव एक्वस, ये बन गया था। ये जो पार्टिकल था ये लॉन्ग टेल और एक हेड था, COO नेगेटिव इज द हेड,
एंड द लॉन्ग टेल इज देयर, इसका मतलब सोप के मॉलिक्यूल में चार्ज उसका खुद ही क्रिएट किया हुआ था। तो यहां चार्ज क्यों क्रिएट हुआ? ऑटो डिसोसिएशन की वजह से। सेल्फ डिसोसिएशन और ऑटो डिसोसिएशन इज लीडिंग टू द चार्ज। अब अगर कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन क्रिटिकल माइसिले कंसेंट्रेशन हो गई तो क्या बन जाता था? माइसिलेज बन जाते थे, याद आया? बेटे चाहे ये चैप्टर हमारे पास सेकेंड टर्म में आने हैं, इवन देन आने जरूर है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हमारे पास सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में ज्यादा गैप नहीं होगा। यानी कि दिसंबर में या नवंबर में अगर फर्स्ट टर्म हुई तो मार्च में सेकेंड टर्म आ जानी है, तो इसलिए वी हैव टू बी मतलब अल्टीमेटली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास टाइम थोड़ा बचेगा सेकेंड टर्म के चैप्टर्स के लिए, इसे अभी ध्यान से कर लें। अब ये बन गया हेड और ये बीच में बन गए टेल्स, हेड एंड टेल्स। तो ये कौन सा सोल बन गया बेटा? नेगेटिव सोल। तो सोप सॉल्यूशन में जो सोल बनता है दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ ऑटो डिसोसिएशन और सेल्फ डिसोसिएशन, उसकी वजह से चार्ज आ जाएगा। ये सोप का एग्जाम्पल मैंने दिया बेटा। अगर मेरे पास कोई डिटर्जेंट है, मान लो एक डिटर्जेंट है, उसमें NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव है। अब ये पानी में गया, यहां आप कह सकते हो X नेगेटिव, तो ये क्या क्रिएट कर जाएगा? NH3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा और X नेगेटिव अलग हो जाएगा। ये तो पानी में चला गया। अब मुझे बताओ ये क्रिटिकल माइसिले कंसेंट्रेशन के बाद कैसी सोल क्रिएट करेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? हेड के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस टू ग्लास आरबीए, कहां पे हो सब लोग? आवाज आ रही है? यस। तो बताओ कौन सी सोल बनेगी? अब हमारे पास बनेगी पॉजिटिव सोल। तो डिटर्जेंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की सोल बना सकते हैं, इसको हम बोलेंगे केटायनिक डिटर्जेंट। दिस इज नेम्ड एज केटायनिक डिटर्जेंट। ऐसी एनायनिक डिटर्जेंट ऐसी सोल बनाएंगे, एनायनिक डिटर्जेंट्स सोप जैसी नेगेटिव सोल बनाते हैं, क्रिएट नेगेटिव सोल। ये हमारे पास बन गया है पॉजिटिव सोल। तो सेकेंड रीजन फॉर चार्ज इज ऑटो डिसोसिएशन और सेल्फ डिसोसिएशन। नाउ थर्ड रीजन, थर्ड रीजन फॉर चार्ज इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से हमेशा नेगेटिव सोल बनती है। नेचुरली जब कोई अपने सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, और जब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली चार्ज ऑन द सोल विल बी नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैन लीड टू द सोल पार्टिकल, नेगेटिव सोल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स हमारे पास है ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। क्या नाम था मेथड का? इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, दैट मीन्स ब्रिडिक्स आर मैथड। मेटल सोल इज फॉर्म्ड, द मेटल सोल फॉर्म्ड इज नेगेटिव सोल। इसका मतलब वो जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस पे कैप्चर कर लेते हैं, जिस वजह से आपको क्या मिलती है? नेगेटिव सोल मिलती है।
तो नेगेटिव सोल कैन बी प्रिपेयर बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑन मेटल सरफेस. दैट इज द थर्ड रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. फोर्थ रीजन फॉर चार्ज इज पीएच. यानी समटाइम्स पीएच की वजह से भी आपको चार्ज दिखेगा. जब हम कह रहे हैं पीएच के नॉट सो लीड्स टू चार्ज, तो पीएच यहां तो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक. अगर एसिडिक पीएच हो तो वहां पे कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव आयंस. अगर बेसिक पीएच हो तो ओएच नेगेटिव, यानी नेगेटिव आयंस. आप हो गए पीएच अगर लेस देन 7 हुआ तो एच पॉजिटिव आयंस, मोर देन 7 हुआ तो आप हो गए ओएच नेगेटिव आयंस. ये वहां एक्स्ट्रा पड़े होते हैं. जो हमारे प्रोटीन सोल्स होते हैं, प्रोटीन सोल और अमीनो एसिड्स, सो क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनती है, तो आपसे कहते हैं प्रोटीन सोल्स को जरा पीएच में ऑब्जर्व करते हैं. बेटा अमीनो एसिड क्या होता है पहले देख लो. एक तरफ एसिड ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप, ऑन वन साइड एच और अनदर साइड आर. इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड. ध्यान से समझना, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी है, तो सेम टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में भी है, इसलिए इसको अच्छे से करना. अब हमारे पास है अल्फा अमीनो एसिड्स. अगर अल्फा अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो अल्फा मतलब इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा के ऊपर NH2 लगा है इसलिए अल्फा अमीनो एसिड्स. इसमें यहां ये पार्ट क्या है? एसिडिक. और इस पार्ट को हम बोलते हैं बेसिक. अब इस अमीनो एसिड को एसिड और बेस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव और ये बनेगा NH3 पॉजिटिव. यानी इसने अपना H पॉजिटिव दे दिया और उसने इसका H पॉजिटिव ले लिया. बेटे इस आयन को बोलते हैं हम ज्विटर आयन. This ion is named as Zwitter ion. तो Zwitter ion एक ऐसा ion होता है जिसके अंदर cation और anion same compound के अंदर है. अक्सर क्या होता है ionic compound में cation अलग होता है anion अलग होता है, यहां ऐसा नहीं है. एक ही compound के अंदर cationic portion भी है और anionic portion भी है, तो हम बोलेंगे Zwitter ion. This is Zwitter ion. अब बेटा इस ज्विटर आयन को अगर आपने एसिडिक पीएच में रखा तो आपके पास वहां पे क्या प्रेजेंट है? एच पॉजिटिव. ये एच पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन कर जाएगा नेगेटिव के साथ, तो ये बन गया COOH NH3 पॉजिटिव. तो आप हो गए ये कौन सी सोल बन गई? पॉजिटिव. पॉजिटिव सोल. यानी आप कहोगे दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए केटाइन एंड इट इज अ पॉजिटिव सोल. और अगर मान लो आपने बेसिक पीएच दिया, यानी एक पीएच इज लेस देन मोर देन 7, ओएच नेगेटिव आयंस आर देयर, तो ओएच नेगेटिव इस NH3 से एच पॉजिटिव ले लेंगे. प्लस वाटर बन गया. अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है? एनाइन. अब एनाइन बचा है तो नेचुरल नेगेटिव सोल बन जाएगी.
एंड इन एसिडिक पीएच वी आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव सोल, राइट। तो यहाँ आपके पास एनाइनिक बन रहा है, नेगेटिव सोल, पॉजिटिव सोल, इसका मतलब पीएच भी एक रीजन हो सकता है किसी सोल के ऊपर चार्ज के होने का। तो चार्ज कैन बी ड्यू टू यू कैन से एसिडिक और बेसिक पीएच। फोर्थ रीजन आपके पास आ गया, दैट इज ड्यू टू पीएच। समझ आ गया यहां तक। फिफ्थ रीजन वो कहते हैं, अगर आपके पास दो चीजें आपस में फ्रिक्शनली चलती हैं, फ्रिक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, तो भी चार्ज आ जाता है। तो फिफ्थ रीजन इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। वापसी कहते हैं कि क्रिस्पर मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों आपस में फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो रीजन कैन बी, वो आपसे कह रहे हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स कैन डेवलप चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। तो उनके जो सर्फेसेस होंगे, नेचुरल है, मीडियम के अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके सर्फेस, और जो पार्टिकल है उनके पार्टिकल्स का सर्फेस जो भी होगा वो उनके ऊपर एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के चार्जेस हैं। यानी अगर कोलाइडर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हुए तो सोल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मीडियम पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो मान लो कोलाइडर पार्टिकल के ऊपर आपने कहा पॉजिटिव सोल, पार्टिकल पॉजिटिव है तो मीडियम पक्का क्या होगा, नेगेटिव। तभी वो क्या बनेगा, लायोफिलिक, और तभी वो सोल क्या हो पाएगी, स्टेबल। तो उनका कहना है कि फ्रिक्शनल, जब आपको कोई रीजन नहीं समझ आ रहा था, यानी एक बार आपको समझ आया पाइसिलेस क्यों बने, आपने कहा ऑटो डिसोसिएशन, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, कुछ रीजन तो आपको समझ आ रहे थे, लेकिन अगर मान लो कोई भी रीजन समझ ना आए चार्ज का, तो आपको कहेंगे द चार्ज कैन बी ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, जिसे आप कहते हो जैसे ग्लास रॉड, रब्ड पेपर, ब्लैक फर, पैक फर, तो सब क्या था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन थी। दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन बिहाइंड द चार्ज। अब इसका मतलब हमारे पास चार्ज ऑन द सोल इज देयर, पॉजिटिव सोल्स हैं, कुछ नेगेटिव सोल्स हैं। तो हम एक टेबल बना सकते हैं पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स का, क्योंकि इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ने वाली है। बेटा पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स में आपके पास एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा टेबल दिया होगा वैसे तो, ठीक है, आप चाहो तो उसी को देख सकते हो, ऑलमोस्ट अच्छा टेबल दिया हुआ है। इसमें आपके पास वो कहते हैं कुछ सोल्स को आप याद कर लो, जैसे मेटल सोल्स सारी की सारी क्या होती है, नेगेटिव सोल्स। तो अगर आपसे कहा जाए मेटल सोल्स, तो पहले स्टेप में आ गया नेगेटिव सोल्स। सोप सोल क्या है, नेगेटिव सोल, सोप हमेशा ही नेगेटिव सोल बनाएगा, ठीक है। फिर मेटल सल्फाइड सोल्स, जो मेटल सल्फाइड सोल्स होती हैं वो हमेशा, क्योंकि एक्स्ट्रा सल्फाइड डालने से बनती हैं, इसलिए वो भी क्या बनती है, नेगेटिव सोल्स। तो आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, तो ये नेगेटिव सोल्स का एग्जांपल बनेगा। ऐसे हमारे पास आ सकते हैं कैडमियम सल्फाइड एटसेट्रा। देन यू हैव नेगेटिव सोल्स में हमारे पास है स्टार्च, गम, जेलेटिन। हालांकि स्टार्च पे कलर का कोई रीजन, स्टार्च का कोई रीजन हमारे पास नहीं है, जेलेटिन पे भी हमें ये नहीं समझ आता कि व्हाट इज द रीजन। तो रीजन जो हमने दिया है, दैट रीजन इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। स्टार्च, गम, जेलेटिन, चारकोल, क्ले, ऑल दीज आर नेगेटिव सोल्स। पॉजिटिव सोल्स भी आ जाते हैं, सबसे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड्स,
मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स आर पॉजिटिव सोल्स, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हो गया, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सोल है, तो ये हमेशा पॉजिटिव सोल्स बनती है. तो मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स आर पॉजिटिव सोल्स, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल इज देयर. देन यू हैव एनायनिक, आपोगे अब आपके पास केटाइनिक डिटर्जेंट. तो केटाइनिक डिटर्जेंट की सोल कैसी हो जाएगी, नेचुरल नाम से समझ आ रहा है, पॉजिटिव सोल. हम कहेंगे प्रोटीन्स इन विच पीएच, एसिडिक पीएच, पॉजिटिव सोल्स. हीमोग्लोबिन, हमारा जो ब्लड है, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव सोल. ऑक्साइड सोल्स आर पॉजिटिव सोल. तो आप कह सकते हो जैसे हाइड्रोक्साइड सोल्स, वैसे ही ऑक्साइड सोल्स भी पॉजिटिव सोल्स है. जितनी भी बेसिक डाइज है, बेसिक डाइज में आपके पास है मिथाइलीन ब्लू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा. बेसिक डाइज पॉजिटिव सोल्स होती हैं, और जो एसिडिक डाइज होती हैं, जैसे कॉम्बो रेड, ये एक एसिडिक डाई है और ये एक नेगेटिव सोल है. इसमें आप लिख सकते हो मिथाइलीन ब्लू बेसिक डाई है, ब्लू कलर की होती है, लेकिन ये पॉजिटिव सोल बनाती है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल्स, एंड दीज आर द रीजन फॉर कलर. राइट, नोट कर लिया सबने. तो कलर रीजन फॉर चार्ज, आपके पास बहुत सारे रीजंस थे व्हाई सोल्स कैन बी चार्ज्ड, और अगर चार्ज है तो आपके पास दो तरह की सोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स. अब आपके पास अगर चार्ज है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाउ विल यू केम टू नो. यानी ऐसा तो नहीं है ना कि आपने देखा और आपको ऐसे सोल्यूशन पकड़ के बस चल जाएगा ये पॉजिटिव सोल है, दिस इज नॉट देयर. तो आपको सोल को देख के तो पता नहीं चल सकता, कोई तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक बाय विच we can know the charge on, know the type of charge on collided particles. तो collided particles के ऊपर कौन सा charge है ये पता करने के लिए जिस टेक्निक को हम यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक. अब इस टेक्निक से हमें ये पता चल सकता है कि किसी सोल के ऊपर क्या चार्ज है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम क्या करते हैं, एक यू शेप की ट्यूब ले लेंगे. इस ट्यूब को दो तरह की रॉड्स लगा देंगे, यानी इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे. वन इज पॉजिटिव रॉड यानी इलेक्ट्रोड, एंड अनदर इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. और अब अपना कोलाइडर सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे. जब आपने कोलाइडर सॉल्यूशन इसमें डाला तो
इनिशियली कोलाइडल पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, क्योंकि अभी हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया. यानी राइट नाउ इट इज जस्ट सिंपल कोलाइडल सॉल्यूशन, सब जगह पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहे थे. आप सोचो अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो आप होगे इनिशियल और आफ्टर सब टाइम. ये सिचुएशन इनिशियल हो सकती है लेकिन कुछ देर बाद ये जो आपकी ट्यूब है, यू शेप ट्यूब जो आपने बना रखी है, इसमें आपको कुछ चेंज नजर आएगा. वो कहते हैं कुछ देर बाद अगर मान लो जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके पास पास कोलाइडल पार्टिकल ज्यादा हो जाए तो नेचुरली यहां से वो क्या हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा. सोचो अगर पार्टिकल सारे इधर चले गए हैं और अभी भी मीडियम तो सब जगह ही है, तो सारे कोलाइडल पार्टिकल इसके ऊपर जाके क्यों चिपकने लगे? तो बताओ क्या समझ आया, क्यों चिपक रहे हैं इधर, सब इधर जा रहे हैं. yes. तो आप होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है यहां पे टर्बिडिटी आ जाएगी. टर्बिडिटी ऑन आप होगी कैथोड एंड, सॉरी एनोड एंड. तो एनोड एंड पे आपको क्या मिला है, टर्बिडिटी. आपका पॉजिटिव एंड था, इसका मतलब सोल के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज. दैट मीन्स सोल पार्टिकल्स आर नेगेटिव. तो आप कहते हो कोलाइडल सोल पार्टिकल्स अगर नेगेटिवली चार्ज हुए तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी वो इधर जाते हुए नजर आएंगे. यहां से सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन. तो एक तरफ बिल्कुल क्लियर हो गया, एक तरफ टर्बिड हो गया, तो ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि कौन सा चार्ज उन पार्टिकल्स पे है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी एक ऐसी टेक्निक जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज है. बोलो जी यहां तक समझ आ गया? yes. तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आता है तो आपने डायग्राम बना के दिखाना है और फिर शो करना है एज कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव सोल. अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से शो कर देते तो आप कहते पॉजिटिव सोल. तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, इधर भी आ सकते थे उधर भी जा सकते थे. हाँ जी बेटा एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, हमने चार्ज तक प्रॉपर्टीज को कवर अप कर लिया. तो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कोगुलेशन और कोगुलेशन से पहले एक इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी कर लो. इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा ही इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता है, सिर्फ यहां पे आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देनी है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब बताओ क्या हो सकता है? अगर कहीं बीच में आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी तो क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कोलाइडल पार्टिकल्स को कहीं मूव करने देगी? अब जो मूव कर सकता है वो कौन है? सिर्फ मीडियम. सिर्फ पानी पानी मूव कर सकता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. तो वो आपसे कहते हैं कि अगर हम यहां पे दो ओपनिंग्स बना लें, तो
थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया। अब मुझे बताओ, आपने तो ग्लाइडर सॉल्यूशन ले लिया, आपने करंट भी कनेक्ट कर दिया, यहां सेमी परमेबल मैग्नेट है। लेट अस सपोज कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो तो सब जगह नेगेटिवली चार्ज होंगे ना, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो बताओ मीडियम कौन से चार्ज का होगा? तो आप कहोगे कोलाइडल पार्टिकल्स, इफ लगा देती हूं मैं, कोलाइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो मीडियम पार्टिकल्स आर, मीडियम हैज पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ मीडियम जो है वो किस तरफ जाएगा? मीडियम का पॉजिटिव चार्ज है, तो मीडियम नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है? यानी मीडियम इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहां पे आपके पास इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, यानी ये लेवल ऊपर जाने लग जाएगा, एंड बाय ओपनिंग दिस रॉड या दिस नॉब वी कैन टेक द मीडियम आउट, ये सोल आउट। तो आप कहते हो जो चार्ज आपके कोलाइडल पार्टिकल्स पे होता है, जैसे आपने कहा नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो नेगेटिव पार्टिकल्स अगर सोल के हैं तो नेगेटिव पार्टिकल्स सारे इधर अट्रैक्ट कर रहे थे, कोलाइडल पार्टिकल्स तो यहां आके जमा हो जाएंगे और मीडियम यहां से इधर जाने लग जाएगा। तो मीडियम का फ्लो हो सकता है, तो आप कहोगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली मीडियम इज अलाउड टू पास। सिर्फ मीडियम पास कर सकता है, कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते। तो जब भी आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज करोगे तो इसी प्रोसेस का नाम बन जाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट प्रिवेंट कर देंगे, ओनली डिस्पर्शन मीडियम इज अलाउड टू मूव। तो आप कहते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो कई बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या टर्म्स है, वर्ड वन वर्ड स्टेटमेंट तो आपको आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। यानी आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज कोगुलेशन। मेरे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया है हमारा। तो कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसी को एक और नाम दे सकते हैं फ्लॉक्टुलेशन। तो कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लॉक्टुलेशन, मतलब क्या है? यानी अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं आपसे कहूंगी कोलाइडल सोल को प्रेसिपिटेट करा दो, यानी सस्पेंशन बना दो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सोल कन्वर्टेड टू प्रेसिपिटेट और सस्पेंशन, सेटल डाउन हो जाए, जिसका मतलब कोगुलेट हो गई है। तो पार्टिकल अभी तो छोटे छोटे से 10^-9 से 10^-6 मीटर है, अब साइज 10^-6 मीटर से बड़ा हो रहा है, इसलिए वो नीचे सेटल कर जाएंगे। अगर आप ऐसा करवाते हो
तो उसे कहेंगे कॉगुलेशन करवा दिया। बेटा कई बार तो हमें कोलाइडर सॉल्यूशन चाहिए होता है, अब अगर हमें कोलाइडर सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें कोलाइडर ही चाहिए, तो कोलाइडर सॉल्यूशन सिर्फ कुछ टाइम्स के लिए, कुछ देर के लिए चाहिए होते हैं, कुछ जगहों पे चाहिए होते हैं, सब जगह पे कोलाइडर सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। सोचो जरा कैसे, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि दूध हमें कोलाइडर चाहिए, हम चाहेंगे कि वो कोलाइडर ही रहे, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स हमें नहीं चाहिए। हवा में अगर धुंध आ जाए, हर वक्त एक फॉगी फॉगी सा नजर आए, तो हमें सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, ड्राइविंग मुश्किल हो जाएगी। तो वी डोंट वॉन्ट कोलाइडर सॉल्यूशंस इन द एटमॉस्फेरिक जोन इन अवर विजिबल रेंज, हमारी विजिबल रेंज में, तो जोन में बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी हमारे अर्थ से 5-7 किलोमीटर तक तो हमें क्लियर एटमॉस्फेयर चाहिए, और अगर मान लो एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी धुंधलापन आएगा तो सनलाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो मौसम जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो एडवर्स हो जाएंगे। अगर सोचो 10 दिन तक बादल छाए रहे तो ऐसा नहीं होता कि सन नहीं आता, सूरज तो निकल ही रहा होता है, लेकिन बादल आपको सनरेज मिलने नहीं देंगे। तो सर्दियों में आप सोचो 10 दिन तक सूरज नहीं निकला, तो सूरज थोड़ा नहीं निकलता, सूरज तो निकल रहा होता है, बीच में क्या आ जाते हैं बादल, इतने घने बादल होते हैं कि सनलाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाती, तो इतनी टेरिबल ठंड हो जाएगी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही गर्मियों में अगर आजकल जैसे आज बादल है तो बाहर सनलाइट नहीं है, तो इसका मतलब बाहर बादल मतलब एक कोलाइडर सॉल्यूशन चारों तरफ है, इसलिए सनलाइट हम तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो हमें क्लियर स्काई चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सीजंस। किसी भी सीजन में बहुत देर तक क्लाउडी हम नहीं रह सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना सनरेज के, बिना सनलाइट के अर्थ के ऊपर सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे सनरेज अर्थ पे कम होती है, नेगेटिव एनर्जीज मतलब सारे वायरस बैक्टीरिया जितने भी फंगस ये सब बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और जैसे वो तेजी से ग्रो करते हैं तो ह्यूमन लाइफ टेरिबल हो जाएगी। ठीक है, सेम मैनर आपको हवा में डस्ट नहीं चाहिए, आपको पनीर चाहिए तो दूध नहीं चाहिए, आपको उसका क्या चाहिए कॉगुलेटेड वर्जन। आपको मिठाई बनानी है तो आपको दूध को क्या करना है कॉगुलेट करना है। फिर आपको एग नहीं खाना, बॉयल्ड एग खाना है, तो आप एग की प्रोटीन नहीं खाना चाह रहे, आप उसे ऑमलेट खाना चाह रहे हो, आप प्रोटीन को कॉगुलेट कर रहे हो, तो आप बहुत सारी प्रोटीन फॉर्म्स को कॉगुलेट करके ही खाते हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस आपको बता रहे हैं कि कॉगुलेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, सेवरल टाइम्स कॉगुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो कॉगुलेशन एंड आप कह सकते हो प्रेसिपिटेशन या फिर फ्लॉकुलेशन, प्रोसेस क्या है ये तो आपको समझ आ गया। मेथड फॉर कॉगुलेशन इज नंबर वन, यानी अगर मुझे कॉगुलेशन करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहला प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सोचो जरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स। तो आपके कोलाइडर पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, देयरफॉर कॉगुलेशन, क्योंकि आप कह रहे थे चार्ज की वजह से वो स्टेबल है, हमने चार्ज ही खत्म कर दिया, तो कोलाइडर सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट। नंबर टू, परसिस्टेंट डायलिसिस, बहुत देर तक अगर डायलिसिस कर दो, डायलिसिस को ज्यादा देर तक नहीं किया जा सकता, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डायलिसिस करें, हमारी किडनीज को पता होता है कि कब चलना है और कब बंद कर देना है। जैसे मान लो आपने 2 दिन पानी नहीं पिया, तो आप नोट करोगे आपको 2 दिन यूरिन भी जाने की जरूरत नहीं, यूरिन पास आउट नहीं करना पड़ता, तो आप कहते 2 दिन तक हम वॉशरूम बाथरूम में क्यों नहीं जा रहे, रीजन इज बॉडी यूरिन क्रिएट ही नहीं करेगी, किडनीज वो काम ही नहीं करेंगी, तो इसका मतलब हमारी किडनीज डायलिसिस को बहुत सोच समझ के कर रही है। अगर किडनीज बिना सोचे समझे डायलिसिस करती जाए तो क्या होगा, ब्लड के अंदर से सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, तो ब्लड कॉगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, उसके क्लस्टर्स क्लॉट्स बन जाएंगे और हम मर जाएंगे। सेम वे वो कहते हैं परसिस्टेंट डायलिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए अगर बाई चांस आप
परसिस्टेंट डायलिसिस करो तो क्या होगा? तो हम कहेंगे परसिस्टेंट डायलिसिस विल रिमूव और आयनिक इंप्योरिटीज दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. हमने कहा था कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डबल लेयर बनी थी, ठीक है. वो डबल लेयर क्यों बनी थी? क्योंकि कुछ आयंस वहां घूम रहे थे. अगर आपने वो सारे आयंस हटा दिए, रिमूव ही कर दिए, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन. ठीक है जी. थर्ड हमारे पास है मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स. अरे तो आपको समझ ही आ गया. यानी अगर आप पॉजिटिव सोल को नेगेटिव सोल के साथ मिक्स कर दो तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगी. और जब दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो डेफिनेटली दोनों न्यूट्रलाइज होगी, मतलब कोगुलेट हो गए. फोर्थ, बॉइलिंग. तो आपको पता है एग प्रोटीन्स ऑन बॉइलिंग गेट कोगुलेटेड, एकदम से सॉलिडिफाई हो जाती है. इसका टेम्परेचर भी एक रोल प्ले कर सकता है. नेक्स्ट, चेंज ऑफ पीएच, चेंज ऑफ पीएच एट हाई टेम्परेचर. सोच के देखो कि आपने दूध को गर्म किया, फिर उसके अंदर क्या डाल दिया? सिट्रिक एसिड, नींबू डाल दिया या टार्ट्रिक एसिड डाल दिया, ठीक है. सिट्रिक एसिड और कर्ड और समथिंग, टार्टरिक एसिड, कुछ भी डाल देते हो आप, है ना. अगर ऐसा किया तो आपको चीज मिल गया. तो दूध से पनीर बनाने के लिए जो काम आपने किया, आपने क्या किया? बेसिकली दूध को कोगुलेट कर दिया. हम क्या करते हैं? मिल्क प्रोटीन्स को पहले गर्म करते हैं, फिर जैसे पीएच चेंज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ लेके आते हैं, तो मिल्क पे थोड़ा सा एल्कलाइन पीएच होता है. आप नोट क्या कर, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर एसिडिटी हो जाए तो ठंडे दूध को सिप करके पीना चाहिए. अगर कभी बहुत ज्यादा एसिडिटी फील हो रही हो तो, जिनको कम एसिडिटी होती है जनरली, जो अभी आप लोगों के लिए दूध बेस्ट है, ठंडा दूध एक एक घूंट करके पीना शुरू कर दो. आपके बॉडी के अंदर जितना भी एसिड होता है खत्म हो जाएगा, एसिडिटी विल बी क्योर. रीजन क्या है? मिल्क के अंदर थोड़ी सी अल्कलाइन नेचर है. अब वो अल्कलाइन है, जब आपने उसमें नींबू डाला तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज. और जैसे वो न्यूट्रलाइज होता है वो क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है, कोगुलेशन हो जाता है. ठीक है जी, समझ आ गया. नेक्स्ट आपके पास है By addition of excess of electrolyte, by addition of excess of electrolyte, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप कोलाइडर सॉल्यूशन को कोगुलेट कर सकते हो. मैंने पहले एक शुरू में बताया था कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सोल को बचाने में हेल्प करता है, बनाता है. हमने कहा था स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH, KCl, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डबल लेयर क्रिएट करने में हेल्प करता है. और जैसे वो हेलमोल्ट्ज़ डबल लेयर जीटा पोटेंशियल क्रिएट होता है तो सोल स्टेबलाइज हो जाती है. अब वो कह रहे हैं अगर आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कोलाइडर सॉल्यूशन कोगुलेट कर जाएगा. वो एकदम से क्या कर जाएगा? फट जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. So that is excess of electrolyte can lead to coagulation. इसमें आप कहते हो जैसे मान लो पॉजिटिव सोल है,
anions can lead to coagulation, right? अगर नेगेटिव सोल होती तो केटाइन्स कैन लीड टू कॉगुलेशन. यानी अगर आपके पास सोल पॉजिटिव है तो एनाइन्स की जरूरत पड़ेगी आपको, और अगर नेगेटिव है तो केटाइन्स की जरूरत पड़ जाएगी. अब जो पॉजिटिव सोल है जिसमें आप कह रहे हो एनाइन्स कैन लीड टू कॉगुलेशन, हम कहेंगे पॉजिटिव सोल के लिए इसका मतलब इफेक्टिव आइंस आर एनाइंस. और यहां जो इफेक्टिव आइन है वो कौन है? केटाइंस. अब वो कहते हैं मोर इज द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, मोर विल बी कॉगुलेटिंग पावर. And less will be coagulation value. And this complete topic is named as Hardy Schulz. तो हार्डी शूज रूल ये कहते हैं कि किसी की भी कॉगुलेटिंग पावर उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करती है. तो मोर इज द वैलेंसी मोर विल बी द कॉगुलेटिंग पावर, एंड कॉगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉगुलेशन वैल्यू. तो आप कह सकते हो जिसकी कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा होती है उसकी कॉगुलेशन वैल्यू कम हो जाएगी, तो कॉगुलेशन वैल्यू विल बी लेस. अब नेचुरल कॉगुलेशन वैल्यू किसको बोल रहे हैं वो समझना पड़ेगा, और कॉगुलेटिंग पावर का क्या सिस्टम. Let us suppose मेरे पास एक पॉजिटिव सोल है. अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3, सोडियम सल्फेट Al3PO4 होल थ्राइस, या Al3PO4 कह सकते जब आप कैल्शियम फॉस्फेट करते हैं Cl3PO4 होल ट्वाइस, और K4FeCl6. ये चार हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है. तो आपसे कहते हैं कि अगर आपके सोल पॉजिटिव है तो कौन होगा जो इसके लिए इफेक्टिव आइन कहलाएगा? नेगेटिव आइन्स. तो नेगेटिव आइन्स आर गोइंग टू बी द इफेक्टिव आइन्स. तो ये हो गया क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट और FeCl6. तो सबसे पहले मैं इनकी इफेक्टिव आइन्स देखूंगी, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है. इफेक्टिव आइन्स आ गए क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट और FeCl6, फोर नेगेटिव.
अब जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है, तो कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर तो ये आ गया, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर लेकिन कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा। तो कोगुलेशन वैल्यू क्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी, सल्फेट उससे कम आएगा, एंड देन फॉस्फेट, एंड देन वी हैव Fe4CN6 को नेगेटिव। अब कोगुलेशन वैल्यू है क्या? कोगुलेशन वैल्यू इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required per liter of per liter for coagulating colloidal solution in 2 hours। टाइम हमने सेट कर लिया 2 घंटे। तो कितने मिलीमोल्स हमें इलेक्ट्रोलाइट के चाहिए होंगे ताकि हम कोलाइडर सॉल्यूशन को कोगुलेट कर दें? तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड पर लीटर फॉर कोगुलेटिंग कोलाइडल सोल इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। नेचुरली बेटी अगर ये पॉजिटिव सोल है तो इसमें सबसे कम चार्ज है, तो इसके सबसे ज्यादा मिलीमोल्स लगेंगे। ऐसे सोच के देखो, एक के ऊपर मान लो 5, सपोज मैंने 8 पॉजिटिव डाल दिए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, सीएन नेगेटिव सबसे ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि हर एक के लिए एक एक चाहिए, सल्फेट 2 के लिए एक चाहिए, फॉस्फेट 3 चार्जेस को अकेला न्यूट्रलाइज कर देगा, और Fe4CN6 नेगेटिव 4 को अकेला कोगुलेट करेगा। तो नेचुरल जितना ज्यादा आपके पास उसकी वैलेंसी पार्ट है उतना कम उसका अमाउंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। ऐसे बेटा अगर आपके पास नेगेटिव सोल होता, इफ यू हैव अ नेगेटिव सोल, तो आपके पास है लेट सपोज AlCl3, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अब आपने एनायन को तो देखना ही नहीं है, आपने अब किसको देखना है? केटाइन को। तो आप बताओ अगर आप केटाइन्स को देखते हो तो इफेक्टिव आयंस हो गया एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव। तो विच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव वन? एल्युमिनियम। ये आपके पास क्या आ गया? कोगुलेटिंग पावर। और अगर मैंने वैल्यू पूछा होता तो कॉगुलेशन वैल्यू के केस में आप ऑपोजिट साइन लगा देते हैं। सो तो दिस इज कॉल्ड हार्डी शूल्स रूल फॉर कॉगुलेशन या कॉगुलेटिंग पावर। कॉगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स इज डिफिकल्ट, ये आपको भी पता है। ये सोल्स इतनी स्टेबल है तो इनको कोगुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड व्हेन आई से इट इज डिफिकल्ट, तो दिस कैन बी डन बाय नंबर 1 addition of excess of electrolyte। एक तो हमारे पास यही method है कि excess of electrolyte डालो और coagulate करो, और number 2 is exchange of solvent।
नंबर थ्री इज सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर. जनरली डिक्रीज. एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो आपको समझ आता है कि आपने चार्ज पे तो इतना नमक डाल दो, इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो कोगुलेशन हो ही जाएगी. एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, जैसे मान लो अगर आप एसीटोन इज एडेड टू अ हाइड्रोफिलिक सोल्ट, तो अगर आप किसी सोल में जो कि वाटर में बनी हुई है उस पे एसीटोन डालने लग जाओ तो एसीटोन धीरे धीरे पानी को रिप्लेस करता जाएगा. तो जो चीज पानी में घुलना चाहती है वो एसीटोन में घुलेगी नहीं, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कोगुलेशन. ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है. ऐसे ही मान लो किसी को आपने पानी में बना रखा है सोल को, आप उस पर अल्कोहल डालते जाओ, धीरे धीरे अल्कोहल डालते जाते वो टर्बिड हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी. सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर, मान लो आपने कभी देख नोट किया होगा जब मक्खन निकालते हैं तो उसमें बर्फ डालते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर को एकदम से फॉल या इंक्रीज करना पड़ता है, सर्दियों में वो कहते हैं थोड़ा सा गर्म कर लो, गर्मियों में क्या करते हैं बर्फ डाल देते हैं, तो सडन कूल कर दो तो चीजें जम जाती है, तो कहते हैं सडन कूलिंग कैन ऑल्सो इफेक्ट द पॉपुलेशन. तो लायोफिलिक सोल्स में या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं या चेंज ऑफ सॉल्वेंट करते हैं या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ऊपर नीचे करके. अगर गर्म लग रहा है तो एकदम से बर्फ डाल दो तो कोगुलेशन, गर्म ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा ठंडा है थोड़ा सा गर्म करना शुरू करो तो कोगुलेशन. तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स. ठीक है जी, तो ये आपके पास था कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सबसे बेस्ट वे होता है एंड दैट कैन लीड टू द कोगुलेशन. तो दिस इज अबाउट वन मोर टॉपिक, वी आर फिनिश्ड विद कोगुलेशन. अब हमारा एक टॉपिक रह गया है इसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे कोलाइडर सॉल्यूशन की, फिर थोड़ा सा टॉपिक इमल्शंस एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर. तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा बेटा. आपका काम ये होगा कि मैं एक सरफेस केमिस्ट्री की भेजो असाइनमेंट कर ही लो इसी बहाने, और सरफेस केमिस्ट्री आई थिंक ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा आपका पेपर, सब्जेक्टिव में बाद में आएगा, सब्जेक्टिव आएगा ना, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला. चलो एक काम करो, आप अभी ऑब्जेक्टिव ही कर लो क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसलिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए, पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, और कॉम्पिटिशन में तो चाहे आप कुछ भी कर लो ऑब्जेक्टिव ही आना है. तो मेन्स और नीट जो आपने देना है उसमें ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है, इसलिए अभी मैं इसकी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट आपको भेज दूंगी. इस बार से अब से हम जो असाइनमेंट भेजेंगे वो ऐप में आएंगी आपके पास, ऐप में आप सबने ऐप डाउनलोड कर रखी है उसमें आपने असाइनमेंट खोलनी है, वहीं पे सॉल्व कर देनी है, उसके ऑप्शन लिखे हुए हैं आपने मार्क कर देने हैं, सबमिट कर देनी है. और असाइनमेंट की ड्यूरेशन फिक्स रहेगी, आज अगर अपलोड होती है असाइनमेंट तो वो आपको परसों नहीं 5 o'clock क्लास है ना, परसों 2 बजे तक का टाइम डाल दें, 2 बजे तक कर लेगा. ठीक है, परसों 2 बजे यानी अ डे आफ्टर टुमारो टिल 2 o'clock आपने वो असाइनमेंट कर लेनी है, सो दैट उसके बाद ही वो आपको दिखेंगे कि उनके 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं असाइनमेंट के लिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन है ना इनके 35 क्वेश्चन है तो उसके लिए 2 hours दिए हैं. सबमिशन की टाइम क्या है, सबमिशन सेम डे जिस दिन डिस्कस करनी है उस दिन तक का. ठीक है, 2 days के लिए वो असाइनमेंट आपके पास एक्टिव रहेगी, उसको डिस्कस कर लेना, फिर अपने आंसर्स देख लेना कौन से गलत हुए, जो आपके आंसर्स गलत होंगे फिर वो उनका हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटे, एनी डाउट.